यूनिट टू लेक्चर नंबर वन इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट ईयर बीकॉम। लेट्स कंटिन्यू टॉपिक नंबर वन लेक्चर नंबर वन सेक्टोरियल स्टडीज। यूनिट टू में हमको तीन टॉपिक को स्टडी करना है। नंबर वन प्राइमरी सेक्टर क्या है, नंबर टू सेकेंडरी सेक्टर क्या है एंड नंबर थ्री सर्विस सेक्टर दैट इज टर्शियरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर देखते हैं, ये लेक्चर में पूरा के पूरा प्राइमरी सेक्टर पे स्टडी करना है। प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस एंड इट्स प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन नेचर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है, वो व्यवसाय होता है जो डिपेंड करता है कुदरती पदार्थ पे, नेचुरल रिसोर्सिस पे, ना उसका पूरा के पूरा प्रोडक्शन उत्पादक वो भी डिपेंड करता है कुदरत पे, नेचर पे। अपने इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत से दिया हुआ आपको एक तोहफा है। नंबर टू प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दूसरे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसको भी मददगार साबित होता है। कैसे होता है तो हम यूनिट वन में इस बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके लक्षण क्या है, फीचर्स क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर ऑब्टेन द रिसोर्सिस प्रोवाइडेड बाय नेचर। मैंने पहले ही बताया किसको जो भी रिसोर्सिस मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, वो कुदरत से मिलते हैं, नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं। इट कवर द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये अनाज प्रोवाइड करता है जिसके वजह से इंसान अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रॉ मटेरियल गोज टू सेकेंडरी, मोस्ट ऑफ द टाइम रॉ मटेरियल गोज टू सेकेंडरी सेक्टर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। ये भी है ना कि गन्ना जाता है तो शुगर बनती है, कॉटन जाता है तो कपड़े बनते हैं, यानी दूसरे सेक्टर को भी ये बेसिक नेसेसिटी, बेसिक ज़रूरत पूरी करता है। इट इज़ इन चार्ज ऑफ प्रोवाइडिंग फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड एनिमल। सीधा इंसानों को अनाज और जानवरों का भी भरण पोषण इसी के जरिए होता है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले इंसान ने जो काम करना सीखा था वो यही था, इसीलिए ये ओल्डेस्ट टू ह्यूमन बीइंग है, सबसे पुराना आर्थिक व्यवसाय है। इट यूज मोस्टली लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पे आज भी तुम इंडिया जैसी कंट्री में देखो तो ऑलमोस्ट 40-50% लोग आज भी वो जूनी पद्धति थी से खेती बाड़ी करते, इसीलिए बताया ऑलमोस्ट ओल्डेस्ट। उसके साथ साथ लेबर, इसका मतलब यहाँ पे काम करने के लिए लेबर की जरूरत, मजदूर की जरूरत ज्यादा होती है, क्लियर, लेबर की जरूरत ज्यादा होती है। अब ये सेक्टर में क्या क्या आता है तो ये सब चीजें तुमको ध्यान देनी है। ये सेक्टर में क्या क्या आता है तो पहला आता है एग्रीकल्चर, दूसरा आता है लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब गेटे बकरे जानवर का पालन पोषण। उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का मतलब जंगल राज ने वो, फिशिंग एंड पीसीकल्चर मछुआरा ने, ये सब भी इसी के अंदर आता है, हंटिंग शिकार करना, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी ने वो सब जानवरों पशुपालन करना, बी कीपिंग यानी मध, वो भी क्या एक जात का प्राइमरी सेक्टर है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का महत्व क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, तो दिस सेक्टर प्रोवाइड हाइएस्ट एम्प्लॉयमेंट। ये सब MCQ में याद रखना, मटेरियल लेके बैठना, डेटा को चेंज करते जाना। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 40% ऑफ लेबर फोर्स। आज के टाइम में 40% लोगों को रोजगारी देने वाला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। दिस कंट्रीब्यूट 20% टू GDP। अपना जो GDP है उसमें 20% आवक प्राइमरी सेक्टर से होती है।
This activity, the activity carried out in primary sector are important, necessary and indispensable for the population survival. किसके अंदर जो माल बनता है, जो अनाज बनता है, जिससे लोगों की जरूरत पूरी होती है और अपना आपको सर्वाइव कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं. नंबर फोर, फार्मर एंड स्टॉक ब्रीडर प्ले इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ हेल्पिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑल रॉ मटेरियल दैट विल बी यूज आइदर बाय सेकेंडरी सेक्टर और बाय ह्यूमन कंजप्शन. यानी पूरा के पूरा महत्व क्या है कि यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो फार्मर पे, जो स्टॉक संग्रह करते रखते हैं उनके ऊपर है कि वो जिस प्रकार माल बनाएंगे वैसे लोगों की जरूरत पूरी होगी. नंबर फाइव, इट शुड बी रिमेंबर दैट विदाउट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर द अदर सेक्टर कुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज. सीधी बात है ना कि अगर ये सेक्टर नहीं होगा तो दूसरे सेक्टर चलेंगे कैसे. इसीलिए बताया गया, ये भी एनसीक्यू में आ सकता है, प्राइमरी सेक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमी. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमी यानी कोई भी व्यवस्था तंत्र की स्टार्टिंग पॉइंट प्राइमरी सेक्टर होता है. कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है तो ऑलरेडी तो हम ऊपर पढ़ चुके कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, सेरिकल्चर आता है. इट शुड बी नोटेड दैट आउट ऑफ दिस कंपोनेंट एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर द हायर. जैसे पूछ सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा किसका शेयर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है. सिंस एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर इन प्राइवेट सेक्टर वी विल फोकस ऑन ट्रेंड इन एग्रीकल्चर. तो वही अपनों को सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बदलाव क्या आया, क्या ट्रेंडेड है, क्या है क्या नहीं, किस प्रकार. तो देखो MCQ जो बोलते जाना वो बुक में लिखते जाना, टिक करते जाना. क्लियर. नंबर वन, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू मेन कंपोनेंट. नंबर वन फूड ग्रेन, नंबर टू नॉन फूड ग्रेन. नंबर वन फूड ग्रेन, नंबर टू नॉन फूड ग्रेन. ध्यान देना MCQ में आ सकता है. कितने कंपोनेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, दो, फूड ग्रेन एंड नॉन फूड ग्रेन. अब फूड ग्रेन क्या है तो ये टिक कर लेना, आप लोग लिख लेना मटेरियल में. फूड ग्रेन कंट्रीब्यूट अबाउट टू थर्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. फूड ग्रेन कंट्रीब्यूट अबाउट टू थर्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. MCQ में मोस्ट IMPA याद रखना. फूड ग्रेन कितना कंट्रीब्यूट करता है, दो तिहाई भाग किसका, टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन फूड ग्रेन इज वीट. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वीट. उसके बाद आता है वीट मीन्स गव, फॉलोड बाय राइस. उसके बाद आते हैं गेहूँ. तो ये फूड ग्रेन में पूछ सकते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फूड ग्रेन में क्या है, तो वो है वीट. सेकेंड नंबर पर क्या है, राइस. अब आते हैं नॉन फूड ग्रेन. नॉन फूड ग्रेन का मतलब जो फूड ग्रेन में नहीं आते, तो उसमें कौन से आते हैं, तो ऑयल सीड. ऑयल सीड का मतलब कोई पण तेल के बिल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. फिर इसके अलावा कौन सी चीज़ आती है, तो सुगर केन यानी गन्ना, कॉटन, जूट, ये सब नॉन फूड ग्रेन में आते हैं. सब MCQ में आपको याद रखना. अब पूछ सकते हैं फूड ग्रेन नॉन फूड ग्रेन में कितना हिस्सा आएगा, तो सीधी बात है कि फूड ग्रेन का हिस्सा 2/3 है, तो नॉन फूड ग्रेन का हिस्सा कितना होगा, 1/3 यानी 25%. क्लियर. ये आपको याद रखना है MCQ में, क्योंकि अभी तुमको एग्जाम में पूछ सकते हैं. जो डेटा है वो डेटा चेक करते जाना. क्या बताया है ट्रेंड इन फूड ग्रेन में, MCQ में आपको पूछ सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 50.8 मिलियन टन. याद रखना 50.8 मिलियन टन. ये कब का है, 1950-51 का 50.8 से कितना हो गया है, 189 मिलियन टन. यानी अप्रोक्सीमेटली आसपास आठवें प्लान तक आठवां प्लान का मतलब क्या होता है, 1992 तक
1951 से 1992 तक तुम्हारा चार गुना बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया? चार गुना बन गया। मगर पूछ सकते दसवें प्लान में क्या हुआ था, तो दसवें प्लान के अंदर ड्राउट सूखा पड़ गया था, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन कितना डिक्लाइन हो गया था, 189 से 174.8 मिलियन टन, मगर वापिस बढ़ गया। ये किसके बारे में बात हुआ? ऊपर वाला ट्रेंड इन फूड ग्रेन की बात चल रही है। देखो ये सब सीधा कंटिन्यू जा रहा है, सबके बारे में अलग अलग दिया गया है। क्लियर? न पूछ सकते हैं 15-16 में कितना था, फिर उसके बाद अपने तो 11 प्लान अपने तो यस। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ट्रेंड इन फूड गेन सेकंड प्लान 10 प्लान 11 प्लान। हाँ अपनों को 16-17 का डेटा याद रखना है। कौन सा लास्ट डेटा याद रखना है? कौन सा? 16-17 का। के राइस का कितना है? तो 108.9। राइस का कितना है? 108.9। वीट का कितना है? 96.9। पल्सिस का कितना है? 22.1। तो टोटल फूड ग्रेन कितना हुआ? 272.270। अपनों को 14-15 भी काम का नहीं है, 15 को कॉलेज में लेटेस्ट डेटा पे ही ध्यान देते हैं। तो याद रखना ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट डेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डेटा की। अब पूछ सकते हैं कि भाई मेज का कितना था, तो याद रखना कि जो मेज यानी बाजरा होता है उसका प्रोडक्शन के साथ स्टैंगेंट, याद रखना क्या बोला है? स्टैंगनेंट। स्टैंगनेंट का मतलब होता है कॉन्स्टंट। कैसा? कॉन्स्टंट। क्लियर? सबकी जो कोई जरूरत नहीं है, पूछ सकते कितना बड़ा, मगर मैंने आपको बोला ना कि छिल्ला डेटा आपको याद रखना है, छिल्ले के अलावा आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा फूड ग्रेन हुआ। अब आता है नॉन फूड ग्रेन। तो नॉन फूड ग्रेन के अंदर आपको सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन। देखो सबसे पहले ऑयल सीड है, फिर गन्ना है। तो वापिस बोल रहा हूँ कि अपनों को खाली कौन सा डेटा याद रखना है? छिल्ले वाला 16-17 का। कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना है? तो 33.6 मिलियन टन। सुगर केन का कितना है? तो 310 मिलियन टन। कॉटन का कितना है? तो 34.5। ने जूट का कितना है? तो 10.1। आपको ऊपर के कोई डेटा काम के नहीं, आपको सिर्फ लेटेस्ट डेटा ही याद रखना है। क्लियर? लास्ट डेटा याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आता है बीटी कॉटन यानी कॉटन के ऊपर, ये सब जरूरत नहीं है। एंटरप्राइज हाँ पूछ सकते कि सबसे स्लो कौन था, सबसे स्लो कौन सा था? तो ये पूछ सकते कि जूट है शोन स्लो प्रोग्रेस ड्यूरिंग एंटायर पीरियड प्लानिंग। सबसे स्लो कौन सा था? जूट था। बराबर है? दूसरी तो कोई जरूरत नहीं, मेजर क्रॉप ने सबकी कोई जरूरत नहीं है। बराबर, जो काम का होगा मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ये कुछ काम का नहीं, खाली देख जाना है, आपको बताना कि छिल्ला डेटा आपको याद रखना है। यहाँ पे तुम्हारा कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन सेशन अवर होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है।